हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे ये 7th क्लास की मिडिवल हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वर्ड्स का डिफरेंशिएशन आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, डायनेस्टी क्या होता है? जब एक फैमिली के मेंबर्स रूल करें, जैसे कि अगर हम मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो पहले कौन आते हैं? चंद्रगुप्त, फिर उनके सन आते हैं बिंदुसार, फिर उनके सन आते हैं अशोका। तो देखिए, ये एक चेन बन गई ना फैमिली की, तो ये होता है डायनेस्टी। और अब बात करें अगर किंगडम्स की, तो किंगडम्स में कौन होता है? किंग एंड क्वीन जिस कंट्री पे रूल करें, लाइक एक मोनार्क सिस्टम कह सकते हैं। एम्पायर क्या होता है? जब बहुत सारे किंगडम्स को, बहुत सारे रीजन्स को किंग एंड क्वीन रूल करे, वो होता है एम्पायर। एम्पायर बड़ी टर्म हो जाती है। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए वंश का एमर्ज होना या फिर अराइज होना डायनेस्टीज़ का। 7th सेंचुरी के टाइम पे वॉरियर, चीफ वॉरियर्स थे, बिग लैंडलॉर्ड से, एग्जिस्टिंग किंग जो थे उन्होंने सबॉर्डिनेट एंड अपने समन्ताज को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, उनकी बातों को, उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया। तो जो समन्ताज होते थे ये अपने रूलर के लिए गिफ्ट्स को लाते थे। अब समन्ताज का मीनिंग भी मैं एक बार बता दूं आपको, है जो किंग की एक तरफ से हेल्प करते हैं, या फिर आप उन्हें कह सकते हैं कि ये जो उनकी आर्मी होती है ना किंग की, उसको मेंटेन करके रखते हैं और टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते हैं। अब देखिए, जो समन्ताज थे, अब धीरे धीरे इन्होंने पावर भी ले लिया और इनके पास वेल्थ भी आ गई, पैसा भी आ गया। तो जब इनके पास ये दोनों चीज़ आ गई, तो इन्होंने अपने आप को महासामंत एंड महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। दोनों नाम आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं सीटेट में। और इन्होंने जो इनके ओवरलोड्स थे ना, उनसे अपने आप को अलग कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट बता दिया। अब देखिए, क्या ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखिए, इनके पास जब पावर एंड वेल्थ आई, अब रूलर को चाहिए क्या होता है? पैसा और पावर चाहिए होती है। तो जब इनके पास यही दोनों आ गई, तो जो इनके ओवरलोड्स थे, इन सामंताज ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। पहले मैं ओवरलोड्स का मीनिंग बता दूँ। ओवरलोड्स, जैसे आप एक टर्म सुनेंगे अभी नीचे यहाँ पे, महाराजा धीराज, इनको ओवरलोड्स कहते हैं, मतलब राजाओं के भी राजा। अब यहाँ पे इन्होंने ये एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे ये अलग हुए। एक एग्जाम्पल दिया है जो राष्ट्रकूटाज के दंती दुर्ग थे, ये राष्ट्रकूटाज से बिलोंग करते, जो राष्ट्रकूटाज जो डेक्कन में है। अब दंती दुर्ग ने क्या किया? अच्छा, दंती दुर्ग क्या थे? ये चालुक्य के समन्ताज थे, चालुक्याज के जो राजा थे। अब दंती दुर्ग ने क्या किया? उनके अगेंस्ट एक बैटल स्टार्ट कर दिया और दंती दुर्ग जीत गए। अब दंती दुर्ग जब जीत गए, तो इनको एक रिचुअल को परफॉर्म करना पड़ा। अब रीज़न ये था कि ये बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे, और इनको क्षत्रिय बनने के लिए एक रिचुअल को परफॉर्म करना पड़ा, और उस रिचुअल का नाम आपसे पूछा जा सकता है हिरण्यगर्भ, और जिसका मीनिंग, लिटरली मीनिंग है गोल्डन वूम्ब, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल और दिया है, कदम मयूराश्रम एंड गुर्जर प्रतिहारा हरीश चंद्र। अब ये दोनों क्या थे? ये थे ब्राह्मिन्स। अब इन्होंने अपने जो ब्राह्मिन के जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन थे, उनको डिनाई कर दिया, और इन्होंने अपने हाथों में औजार उठा लिए, मतलब ये क्षत्रिय बन गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम करते हैं। देखिए, जो राजा होते थे ना, वो अपने आप को बड़े बड़े नामों से बुलाना पसंद करते थे। वो कहते थे हम महाराजा धीराज हैं, मतलब राजाओं के भी राजा हैं। त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब हम तीनों लोकों के राजा हैं, जैसे कि आकाश, पाताल एंड भूमि होता है, आई थिंक ये तीन वर्ड ऐसे ही होते हैं, इनके राजा अपने आप को वो बोलने लगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के अपनी प्रशंसा करते थे खुद ही। अब इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम, मतलब ये अपने आप को ऐसे क्लेम तो करते थे, लेकिन फिर भी इनको अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी। अब वो नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इतना क्लेम करने के बाद भी जो किंग ऐसे कहते थे कि हम महाराजा धीराज हैं, उनको फिर भी अपनी पावर को शेयर करना पड़ता था सामंता से, पीजेंट से, ट्रेडर से, ब्राह्मण से, और ये रिसोर्सेज भी कलेक्ट करते थे पीजेंट से, कैटलर से, आर्टिशन से। ठीक है, आप एक बार ये रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, तो ये हम जरूर पढ़ेंगे, अभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी इस पर ध्यान देते हैं कि ये रिसोर्सेज या टैक्सेस क्यों कलेक्ट करते थे, क्योंकि इनको अपने फाइनेंस करना पड़ता था अपने किंग को स्टैब्लिश करने के लिए, या जो ये आर्मी मेंटेन करते थे उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए, या फिर ये जो लड़ाइयाँ लड़ते थे उसके लिए, या मंदिर बनवाते थे, फोर्ट्स बनवाते थे। ठीक है, इसलिए यही रीज़न था कि ये लोग टैक्सेस कलेक्ट, जो किंग थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। अब एक इंस्क्रिप्शन की बात हुई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। जो चोलाज की इंस्क्रिप्शन है, उसमें टैक्सेस के बारे में बताया हुआ है कि 400 टर्म्स से भी ज़्यादा टैक्सेस की टर्म दी गई हैं, मतलब 400 से ज़्यादा टैक्सेस की टर्म दी गई हैं। और जो चोलाज हैं, इन्होंने कहाँ रूल किया?
तमिलनाडु पे। अब उस टैक्स में जो फ्रीक्वेंटली नेम यूज हुआ है वो हुआ है वैटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। वैटी जो है वो कैश में नहीं लिया जाता था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था एंड कदिमाई और लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रशस्टीज एंड लैंड ग्रांट्स। अब देखिए प्रशस्टीज के बारे में जैसे मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी ये लास्ट चैप्टर में भी किया था और लास्ट क्लास में भी, लास्ट क्लास की बुक में भी किया था कि प्रशस्टीज में अपनी प्रशंसा करवाना पसंद करते थे किंग, तो वो अपने आप को एज अ वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स ये कहलाना पसंद करते थे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये सच ही हो, इट मे बी नॉट ट्रू, लेकिन वो वही बात है कि अपने आप को प्रशंसा पसंद करते थे। और ये प्रशस्टीज भी इनकी वही लिखते थे जिनको ये चाहते थे लिखवाना, ठीक है। और ये कौन लिखते थे, कौन कंपोज करते थे, जो लर्न्ड ब्राह्मण्स होते थे जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था। ओके, देखिए यहाँ पे नागभट्ट की अचीवमेंट्स बताई हुई हैं, ये एक प्रशस्ति के तौर पे दिखाया हुआ है कि ऐसे प्रशस्ति लिखी जाती थी, संस्कृत में लिखी गई है और ये मिली है ग्वालियर में मध्य प्रदेश, और इसमें नागभट्ट के एक्सप्लोइट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है जो एक प्रतिहारा किंग थे। और आप इसमें पढ़ेंगे तो इनकी अचीवमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, जब ब्राह्मिन्स जो लर्न्ड ब्राह्मिन्स होते थे इनकी प्रशस्ति कंपोज करते थे तो किंग इनको रिवार्ड भी करते थे ब्राह्मिन्स को, और जो रिवार्ड करते थे या जो इनको एक्सपेंसिव गिफ्ट देते थे जैसे कि भूमि का कोई भी पार्ट दे दिया, तो उस गिफ्ट को एक तरफ से कॉपर प्लेट पर रिकॉर्ड कराया जाता था। आप ये कॉपर प्लेट देख सकते हैं, इनके ऊपर रिकॉर्ड करवाया जाता था जो किंग ब्राह्मिन को गिफ्ट दे रहा है और जो ब्राह्मिन किंग से रिसीव कर रहा है, दोनों का, दोनों के बारे में लिखा जाता था। और इसमें लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, ये होती थी पार्टली संस्कृत एंड पार्टली तमिल, दोनों लैंग्वेज में लिखी जाती थी कॉपर प्लेट्स पे, ठीक है। एक लॉन्ग संस्कृत पोयम लिखी कल्हाना ने उन राजाओं के बारे में जो कश्मीर पे रूल कर चुके हैं। अब इन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्सेज में ये इंफॉर्मेशन दी, जैसे इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स। और अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, मतलब इन्होंने प्रशस्ति के जो राइटर होते थे ना, जो राजाओं की प्रशंसा करते थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब इन्होंने अपने क्रिटिकल व्यूज़ भी दिए उन रूलर्स के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में। अगर उनको पॉलिसी, जो कल्हाना को पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, इन्होंने उसके बारे में क्रिटिसाइज़ भी किया है इन वर्क में। तो इन्होंने कोई प्रशस्ति एज सच प्रशंसा के तौर पर नहीं लिखी। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, अब देखिए हर जो डायनेस्टी या जो रूलर्स थे वो अपनी डायनेस्टी या अपने एक स्पेसिफिक रीजन पे कंट्रोल करते थे, रूल करते थे, लेकिन वो साथ साथ दूसरे एरिया में भी अपना कंट्रोल करने की ट्राई करते थे। अब जैसे एक नाम आता है कन्नौज का, इन राजाओं का कन्नौज के लिए लड़ना रीज़न ये था क्योंकि कन्नौज जो सिटी थी ये गंगा वैली पे स्थित थी और एक वेल्दी रिसोर्स का साधन थी। तो तीन राजा आए, इन तीनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ की कन्नौज के लिए, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पायल डायनेस्टीज। इनके राजा एक दूसरे से लड़े और इस स्ट्रगल को कहा जाता है ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, नाम याद रख लेना ट्राई पार्टाइट। और रूलर्स अपने पावर को शो करने के लिए लार्ज टेम्पल्स को बिल्ड कराते थे, और कई टेम्पल्स तो ऐसे होते थे जिसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता था, एक्सट्रीमली रिच टेम्पल्स बनाते थे। और जिसके जितना ज़्यादा वेल्दी टेम्पल बनाया जाता था उसी पे फिर दूसरे राजा अटैक करते थे। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी का, और जो जो है अफगानिस्तान में इनका जो कंट्रोलिंग पावर है वो एक्सटेंड होता गया, ठीक है। और इसका, इनका जो जहाँ जहाँ एक्सटेंड हुआ है उसको याद रखने की जरूरत नहीं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इन्होंने सोमनाथ मंदिर को टारगेट किया जो गुजरात में है, उस वेल्दी टेम्पल से इन्होंने जो लूटा था इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी पे लगा दिया और उसको एकदम स्प्लेंडिड बना दिया, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सुल्तान मोहम्मद अपनी एक प्रशंसा सुनने के लिए, या उन्होंने जिन जिन लोगों को कनकर किया है, जिस टेम्पल को इन्होंने लूटा है, वो एक किताब में बुक कराना चाहते थे, मतलब लिखवा के रखना चाहते थे ताकि वो आगे पढ़ा जाए। तो इन्होंने एक स्कॉलर का नाम है जो अल बिरूनी, इनको अपॉइंट किया, और अल बिरूनी ने ये इनके लिए एक अकाउंट लिखा, किताब अल हिंद, इम्पोर्टेंट है याद रख लेना, और ये एक अरेबिक वर्क है। ओके, अब बात करते हैं चाहमनाज की, जो लेटर वो उनको चौहान्स कहा जाने लगा। इन्होंने रूल किया दिल्ली एंड अजमेर रीजन पे, और इन्होंने एक्सपेंड करने की कोशिश की वेस्ट एंड ईस्ट तक, बट उनको अपोज कर दिया चालुक्याज ऑफ गुजरात,
जो चालुक्याज ने जो गुजरात में रूल करते थे एंड गढ़वालाज जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, पृथ्वीराज थ्री इन्होंने अफगान रूलर जिनका नाम था मोहम्मद गोरी इनको डिफीट किया 1191 में। लेकिन अगले साल अगले वर्ष फिर से लड़ाई हुई और पृथ्वीराज इसमें हार गए थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्रॉम उरेयु टू थंजावुर। अब यहाँ पे हम चोलाज के पावर के बारे में पढ़ेंगे कि इनका पावर कैसे एक्सटेंड हुआ। एक माइनर चीफली फैमिली थी छोटी सी मुटरियार, और जिनका पावर था कावेरी डेल्टा के ऊपर। अब ये सबोर्डिनेट थे पल्लवाज किंग ऑफ कांचीपुरम के। और विजयालय कहाँ से बिलोंग करते थे, ये थे चोलाज से, जो कि कहाँ से है, उरियूर से। अब देखिए इन्होंने विजयालय ने क्या किया कि इन्होंने कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया इससे। और इन्होंने वहाँ पे टाउन बनाया थंजावुर और एक टेम्पल बनाया अपनी गॉडेस का निशम भसुदिनी। ठीक है, और जो इनके बाद सक्सेसर आए विजयालय के, देखिए यही टाइटल से भी आप समझ गए होंगे, उरियूर टू थंजावुर, मतलब इन्होंने कैप्चर करके, ये उरियूर से तो थे ही, इन्होंने कैप्चर करके और उस जगह पे कावेरी डेल्टा पे इन्होंने थंजावुर बनाया और एक टेम्पल बनाया। राज राजा को मोस्ट पावरफुल चोला रूलर कहा जाता था, नाम याद रखेंगे, और इनके जो सन है उनका भी नाम याद रखेंगे, राजेंद्र वन, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ने मिलके बिग टेम्पल्स बिल्ड किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थंजावुर टेम्पल, गंगाईकोंडा एंड चोलापुरम, किसने बिल्ड किए, राज राजा और राजेंद्र वन। ठीक है, और टेम्पल एक न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट बन गया, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो गई टेम्पल के आसपास, जहाँ पर मर्चेंट्स रहते थे, कुक्स रहते थे, स्वीपर्स रहते थे, म्यूजिशियंस रहते थे, डांसर्स रहते थे, और वो यहाँ पे टेम्पल में काम भी करते थे। ठीक है, और उनको जो टेम्पल में काम करते थे उनको पैसा भी दिया जाता था। अब ये नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इस बात को। अब देखिए इतने लोग वहाँ पे रहने लगे थे, स्वीपर, मेकर, प्रीस्ट जो थे, ये सब जब वहाँ पे एक सेटलमेंट बन गया, तो मंदिर ना सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप रहा, बल्कि वहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल वे से भी सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। चोलाज की ब्रॉन्ज इमेजेस बहुत फेमस हैं, या तो ये अपने देवता या देवी देवी की मूर्तियाँ बनवाते थे, ब्रॉन्ज इमेज बनवाते थे, या फिर जो उनके भक्त होते थे, डिवोटीज होते थे, उनकी बनवाते थे। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में देखते हैं कि चोलाज का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो बहुत देखने को मिला, कि जो रिवर है कावेरी, उसकी ब्रांचेस को सेवरल कैनाल्स में लगा दिया, और वो पहले कैनाल्स में उसका पानी जाता था, उसके बाद वो एम्प्टी होती थी बे ऑफ बंगाल में। अब जब कैनाल ओवरफ्लो होता था तो वहाँ पे सोइल, जो फर्टाइल सोइल थी, वो एक मतलब किनारे जम जाती थी, और ये मॉइस्चर एक तरफ से दे देती थी एग्रीकल्चर में। और जो सबसे फेमस कल्टीवेशन के लिए इसका नाम आता है, वो आता है राइस की कल्टीवेशन के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है कि कल्टीवेशन स्पेशली किसकी, राइस की। अदर जगह पे भी, अदर प्लेसेस पे भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तमिलनाडु के अदर पार्ट्स में, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये करते हैं। देखिए एम्बैकमेंट्स बनवाए गए, ये एक ना रोक लगा देते हैं, मतलब जैसे अगर कैनाल है, कैनल के ऊपर कोई स्टील का कुछ रख देंगे, ताकि जब आप उसको उठाएंगे तो पानी फ्लो हो जाएगा, जब आप बंद करेंगे उसको तो पानी रुक जाएगा, तो एम्बैकमेंट्स उसके लिए लगाए जाते थे। चोला डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। अर क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, मतलब जो पीजेंट्स होते हैं ना, वो किसी के अंडर काम करते हैं। वो लैंड के ऊपर काम करते हैं, और जैसे बड़ी सारी लैंड लेके उसके ऊपर वो इरिगेशन का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनको एक मतलब उनको एन्युअली या मंथली उनको फिर उस हिसाब से पैसे दे दिए जाते हैं, और बहुत सारे अर के जो विलेजेस बन के एक लार्ज यूनिट बना देते हैं, उसको कहा जाता है नाडू, जो इससे ऊपर होता है। ठीक है, अब देखिए जो रिच पीजेंट्स होते थे, जो अमीर पीजेंट्स होते थे वेलाला कास्ट के, इनका काम ज़्यादा बड़ा होता था, ये नाडू के ऊपर अपना मतलब एक कंट्रोल रखते थे, ये देखते थे कि काम सही हो रहा है या नहीं। जो रिच लैंड ओनर्स होते थे उनको चोलाज किंग ने टाइटल दिए हुए थे, फर्स्ट टाइटल था मुवेंदलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इसका मतलब है वो पेजेंट जो तीन किंग को सर्व करते हैं। सेकंड टाइटल है अरियर, जिसका मतलब है चीफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे।
इसका मतलब है चीफ, और इनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है, और इनको एक अच्छी एक पोजीशन भी दी जाती थी। अब कुछ लैंड की कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। फर्स्ट है वेलन वगाई, ये नॉन ब्राह्मिकल जो पीजेंट्स थे उनके लिए यूज़ की जाती थी, उनके लैंड के लिए यूज़ की जाती थी। सेकंड ब्रह्मदेया, नाम से ही समझ आ रहा है ब्राह्मिन्स को जो गिफ्ट की जाती होगी वो लैंड। शाल भोग, ये जो लैंड है ये स्कूल की मेंटेनेंस के लिए दी गई थी। देवदाना, तिरुना मत्तुकनी, ये लैंड जो है ये गिफ्ट की जाती थी टेंपल्स के लिए। पलीच चंदम, जो जैन इंस्टीट्यूशंस के को डोनेट की जाती थी, ठीक है। ये कुछ कैटेगरीज हैं, ये नाम याद जरूर रख लेना। ब्राह्मिन्स को ब्रह्मदेया या लैंड ग्रैंट्स हो जाती थी, उनको जो रहने के लिए ज़मीन या सेटलमेंट के लिए मिल जाती थी। तो कावेरी वैली के आसपास उनका सेटलमेंट बहुत देखने को मिलता है। और ब्रह्मदेया को लुक आफ्टर कौन करता था, मतलब उन ज़मीन को, एक सभा या असेंबली जिसमें कौन होते थे, मेजर लैंड होल्डर्स होते थे। और इनके वर्क को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लिखा जाता था, या फिर टेंपल्स मतलब वॉल्स ऑफ टेंपल, मंदिरों की दीवारों पे लिखा जाता था स्टोन से, ठीक है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि सभा के जो मेंबर थे वो कैसे चुने जाते थे, ये एक टाइप का लॉटरी सिस्टम था। पाम लीफ पे नाम लिख दिया जाता था और फिर उनको एक अर्दनवेयर पॉट में डाल दिया जाता था, और उसके बाद किसी यंग बॉय से बोला जाता था, छोटे बच्चे से, कि वो टिकट, उसमें से टिकट निकाल के लाओ, जो अर्दन पोर्ट है ना उसमें से टिकट निकाल के लाओ। और जो टिकट निकलती थी वो वन बाय वन कमिटी में उसका नाम जाता रहता था। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी। ये कुछ रूल्स हैं, क्राइटेरियाज जिन्हें हम बोल सकते हैं। देखिए, जो सभा का मेंबर बनना चाहते हैं वो ओनर ऑफ लैंड होने चाहिए, अपनी जो ज़मीन है उसके मालिक, उनका खुद का घर होना चाहिए, 35 से 70 साल तक के बीच में होने चाहिए, और उनका उनको वेद की नॉलेज होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी उनको बहुत होनी चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए। एक तमिल वर्क है, पेरिया पूर्णम। अब बस आपको इसका नाम याद रखना है, और इसका ये नीचे का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की लाइफ के बारे में बताया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सभा के बारे में बताया हुआ है, तो हमें अभी ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये वर्क है परिया पूर्णम, ठीक है। चाइना अंडर टैंग डायनेस्टी, चाइना एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था टैंग डायनेस्टी के अंडर में, और टैंग डायनेस्टी 300 साल तक पावर में रही। इसकी कैपिटल है जियान, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सिटी है। और टैंग डायनेस्टी को एडमिनिस्टर किसके थ्रू किया जाता था, एक ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट के थ्रू, जहाँ पे एक एग्जामिनेशन को होल्ड किया जाता था, पेपर लिया जाता था, और जो उस एग्जाम में अपियर होता था वो वहाँ उस एम्पायर को एडमिनिस्टर करता था। और ये कुछ चेंजेस करके, जैसे जब इसमें ऑफिशियल्स को एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था, तो ये 1911 तक रहा, कुछ चेंजेस होते रहे लेकिन ये 1911 तक रहा। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है और कल हम इसके थर्ड चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दिस साइड प्रियंका गौर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, कीप लर्निंग।